नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी अंशुल सिंघल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ डबल वीलोकअप फॉर्मूला ड्यूरिंग अवर ऑडिट। दैट ऑडिट में बी स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। बेसिकली विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज द डबल वीलोकअप। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड फ्रेंड्स होप यू विल लाइक दिस। एंड इफ यू डोंट नो दिस फंक्शन, it will be really helpful in your regular day-to-day activity and your working and your audit process. So let us start this. We have this kind of data, like we have item code raw material, then in second sheet we have item code name, and we have one sheet like a name of item and their price. वांट कि प्राइस इज कम फ्रॉम आइटम कोड। तो दोस्तों इस केस में मेरे को बड़ी डिफिकल्टी होती है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। पहले मैं एक वी लुकअप लेके आऊंगा, जनरली जो हम लोग करते हैं वी लुकअप से मैं पहले इस आइटम कोड से इस आइटम का नेम लेके आऊंगा, और जब आइटम का नेम आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर वी लुकअप लगाऊंगा आइटम नेम पे, सॉरी, और मैं उसके प्राइस को मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों कि आप सबको वी लुकअप आता है। अगर आपको वी लुकअप नहीं आता तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द वी लुकअप। तो अगर आपको वी लुकअप आता है तो मेरे को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेरे को एक ये डाटा, ये एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी कि मेरे को आइटम कोड लाना पड़ेगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़े, बिकॉज टाइम इज ए मनी एंड इवन इस डाटा इज वेरी लार्ज, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम्स इट मे बी हैंग व्हेन यू ब्रिंग दिस डाटा। सो आई सिंपली वांट, एंड दिस इज नॉट आल्सो ए इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग, यू कैन से स्मार्ट वर्किंग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक तरीका जिसके से आप इजिली बिना इस प्रोसेस के अब यहाँ पे सीधा प्राइस लेके आ सकते हैं। दोस्तों मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे करना है वी लुकअप। वी लुकअप में मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए यहाँ पे आइटम का, ये वाला वीवो चाहिए, तभी मेरा प्राइस आ पाएगा। तो सबसे पहले मैं एक वी लुकअप कोड लगा लेता हूँ जिसे कहते हैं नेस्टेड वी लुकअप। तो मैंने वी लुकअप लगाया, अब मैं इस आइटम को ढूंढता हूँ कहाँ पे, इस वाली सीट में मैं F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, comma 2, comma 0 में कहता हूँ एग्जैक्ट मैच। अब आप देखेंगे और यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ ये मेरी लुकअप वैल्यू होगी। इससे क्या हुआ है दोस्तों कि मेरा जो आइटम कोड से नाम था वो ऑलरेडी आ चुका है वी लुकअप से, और अब मैं प्राइस वाली उसमें जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे प्राइस ढूंढना है, टेबल एरर ये है मेरे, मैं फ्रीज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन F2 0, एंड आप एंटर करेंगे तो यू विल सरप्राइज कि हमारे सारे के सारे प्राइस आ गए। तो जो हमारा टाइम लगता था कि मुझे आइटम कोड लाना पड़ता था, फिर आइटम कोड आइटम का डिस्क्रिप्शन लाके फिर मुझे उसका प्राइस लाना पड़ता था, वो सारी की सारी मेरी एक मेहनत यहाँ पे सेव हो गई और ये स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूला को मैं सब चीज को डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि वी लुकअप, अब वी लुकअप में मुझे ढूंढना क्या है दोस्तों, मुझे ये नहीं ढूंढना, मुझे क्या ढूंढना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी उस सीट के लिए क्या होगी, अगेन उस सीट के लिए मेरा आइटम का डिस्क्रिप्शन होगा। तो मैं सबसे पहले लुकअप वैल्यू की जगह उस वैल्यू को ले आता हूँ, मैं डालता हूँ वी लुकअप। अब वी लुकअप डालने के बाद मैंने इस वैल्यू से उस वैल्यू को ले आया, F4 मैंने किया, तो दो नंबर मुझे ढूंढना है और 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ये मेरी लुकअप वैल्यू होगी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू में ऑलरेडी वीवो, ओप्पो और वन प्लस आ चुके हैं। अब मुझे वो कहाँ पे ढूंढना है, मुझे प्राइस वाली सीट में ढूंढना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगेन सीट को फ्रीज किया F4 से, दो नंबर मुझे ढूंढना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने एंटर किया तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई। तो दोस्तों ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है डबल वी लुकअप। अगर आप लोगों ने आज तक इसका बारे में आप नहीं जानते थे तो उम्मीद है कि आज आप उसकी लर्निंग होगी होगी। अगर आपको नहीं हुआ तो दोबारा इस वीडियो को आप देखिए, और आपको मुझे उम्मीद है कि आपके डे टू डे
वर्किंग में ये डबल वो बहुत काम आएगा। होप यू एंजॉय अ लॉट। थैंक यू।